द फर्स्ट ग्रेटेस्ट इटर्नल गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा टियानमिंग अपने दोनों लाइफ बॉन्ड बीस्ट को यूलिंग जी के साथ लड़ने के लिए कहता है। अब ये सुनकर यूलिंग जी टियानमिंग से कहती है, क्या तुम ये कह रहे हो कि मैं तुमसे फाइट करने के लायक नहीं हूँ? क्या तुम मंदबुद्धि के हो? अब टियानमिंग यूलिंग जी से कहता है, चलो इसके बारे में तब बात करेंगे जब तुम मेरे छोटे दोनों भाइयों को हरा पाओगे। अब ये सुनकर यूलिंग जी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है एंड अपने बीस्ट को वो फीनिक्स एंड जेनेसिस पर हमला करने के लिए कहती है। दूसरी ओर से फीनिक्स एंड जेनेसिस भी यूलिंग जी के बीस्ट के ऊपर एंड यूलिंग जी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब फीनिक्स जो होता है वो यूलिंग जी के साथ फाइट करता है, दूसरी तरफ से जेनेसिस यूलिंग जी के बीस्ट पर हमला करता है। फीनिक्स पर जैसे ही यूलिंग जी अपने स्वॉर्ड से हमला करने की कोशिश करती है तभी फीनिक्स अपने परगेलेटरी शील्ड से उसके हमले को इजीली ब्लॉक कर लेता है। ये देखकर यूलिंग जी शॉक हो जाती है एंड अपने मन के अंदर कहती है, आखिर ये छोटी सी मुर्गी स्वॉर्ड के टेक्निक्स को कैसे जानती है? अब तभी फीनिक्स डिमाइस ऑफ मैन सोल एक्सटेंशन को इस्तेमाल करता है एंड एक ही हमले पर यूलिंग जी को नीचे गिरा देता है। दूसरी ओर से जेनेसिस भी अपने थंडर फिंड केओस जेनेसिस स्किल को एक्टिवेट करता है। इस स्किल को इस्तेमाल करने के बाद जेनेसिस का साइज उसके ओरिजिनल साइज के रूप में आ जाता है एंड वो काफी ज्यादा भयानक लगने लगता है। अब जेनेसिस आगे बढ़कर यूलिंग जी के बीस्ट पर हमला करता है। एक बहुत बड़ा धमाका होता है एंड यूलिंग जी की आंखों के सामने ही उसका लाइफ बॉन्ड बीस्ट ढेर हो जाता है। ये देखकर यूलिंग जी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, उसके पसीने छूटने लगते हैं एंड वो कहती है, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मैं जरूर इन चीजों को इमेजिन कर रही हूँ। अब तभी फीनिक्स यूलिंग जी से कहते हैं, ओए खूबसूरत लड़की मेरी बात सुनो, तुम्हें मुझ जैसे हैंडसम एंड डैशिंग चिकन को इग्नोर करना बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है। अब यूलिंग जी को काफी ज्यादा गुस्से आने लगता है एंड वो कहती है, मैं यूनिटी रियलम में हूँ एंड ये दोनों कंपेनियन लाइफ बॉन्ड बीस्ट स्पिरिट सोर्स रियलम में है, मैं इनसे नहीं हार सकती, तुम्हें मरना होगा, मैं तुम्हें मार दूंगी। अब यूलिंग जी काफी ज्यादा गुस्से के साथ खड़े उठ जाती है। ये देखकर फीनिक्स उसे कहता है, तुम्हें देखकर मुझे हंसी आ रही है, तुम्हें ऐसे लगता है कि तुम मुझे मार सकती हो? अब तभी फीनिक्स डिमाइस ऑफ अर्थ अर्थक्वेकर को इस्तेमाल करता है। अब इसके बाद वो डिमाइस ऑफ अर्थ हेलशिकर को इस्तेमाल करता है एंड आखिरी में वो इटर्नल परगेटरी फायर को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से यूलिंग जी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, उसके कपड़े फट जाते हैं एंड वो जमीन पर नीचे लेट जाती है, उसके मुंह से खून आता है एंड वो कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अब तभी टियानमिंग उसके पास चलते हुए आता है एंड कहता है, तुम्हें कैसा लगा? यूलिंग जी मुझे जवाब दो, क्या तुम सच में अभी भी फाइट करना चाहती हो? तुम्हारा 8-स्टार बीस जो है वो बिल्कुल भी डरावना नहीं लगता, तुम यूनिटी रियलम में हो, लेकिन तुम्हें इतनी बेकार हालत में देखकर तुमने मेरी सारी एक्सपेक्टेशन को डुबा दिया है। क्या सच में हेवन सलीसियम जो है वो तुम जैसे कचरे को एक्सेप्ट करते हैं? अब यूलिंग जी टियानमिंग से कहती है, जो कुछ भी मैंने तुम्हें कहा मैं उन सब चीजों को वापस लेती हूँ, मुझे माफ कर दो। अब यूलिंग जी रोने लगती है एंड कहती है, मैं अपनी हार मानती हूँ टियानमिंग, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब यूलिंग जी को इतने ज्यादा बुरी तरीके से हारता देख और इतना ज्यादा रोता देखकर सारी ऑडियंस शॉक में आ जाती है एंड वो बातें करने लगते हैं कि आखिर यूलिंग जी टियानमिंग के विरुद्ध कैसे हार सकती है, क्या सच में टियानमिंग इतना ज्यादा स्ट्रांग है? अब लिन टियान जियान भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, शाउटिंग उनके बगल में ही खड़ा होता है। अब तभी टियानमिंग के ग्रैंडफादर कहते हैं, मैंने उसे 1 महीने तक नहीं देखा और मेरा ग्रैंडसन इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। अब इस फाइट को देखकर टियानमिंग की मॉम वी क्विंग भी रोने लगती है। तभी मू यंग उन्हें दिलासा देते हुए कहते हैं, अभी रो मत, अभी तो सिर्फ शुरुआत ही हुई है। अब वी क्विंग कहती है, नहीं मैं ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी। अब तभी प्रिंसेस क्विंग लुआन टियानमिंग को देखकर कहती है, ऐसा लगता है कि टियानमिंग पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका है। अब तभी हम सॉन्ग यीशुई को देखते हैं जो कि टियानमिंग के बारे में बात करते हुए कहती है, आखिर ये जितने भी मॉन्स्टर्स है वर्मिलियन बर्ड के, इनके साथ क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी चीज हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही। अब ये सुनकर चिन यीशुन कहता है, शांत रहो, उन्हें फाइट करने दो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि मू यंग एंड ली टियानमिंग के पास और कौन कौन से सरप्राइजेस हैं। अब टियानमिंग लिन शाउटिंग का नाम लेता है एंड कहता है, लिन शाउटिंग नीचे आओ मरने के लिए। ये सुनकर लिन शाउटिंग मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारे इस मेलोड्रामेटिक रिवेंज प्लॉट ने सच में मुझे दिल से छू लिया है। लिन शाउटिंग अरीना में एंटर करता है एंड कहता है, इस चीज को मत भूलो कि ये लाइफ एंड डेथ ड्यूल है, ये मुकाबला तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम में से एक नहीं मर जाता। अब टियानमिंग अपने मन के अंदर कहता है, आज जो तेज बारिश हो रही है वो बिल्कुल उसी बारिश की तरह है जो कि 3 साल पहले हुई थी, मैं इस दिन के लिए बहुत समय से इंतजार कर रहा था, उन पिछले 3 सालों में मैं ये नहीं भूला हूँ कि कैसे तुमने मेरे भाई जिन यू को टॉर्चर किया था जब तक वो नहीं मर जाता, तुमने उसे मेरी आंखों के सामने ही मारा था।
अब टियानमिंग चिल्लाते हुए शाउटिंग से कहता है, जो दर्द तुमने मुझे दिया था मैं उसे तुम्हें दुगना करके दूंगा। लिन शाउटिंग, आज तुम्हारे मरने का दिन है। अब ये सुनकर लिन शाउटिंग कहता है, ये मत सोचो कि तुमने यूलिंग जी को हराया है तो तुम इनविंसिबल हो और कोई भी तुम्हें नहीं हरा सकता, तुम काफी ज्यादा कमजोर हो। अब लिन शाउटिंग टियानमिंग की तरफ बढ़ने लगता है, तभी टियानमिंग अपने दोनों लाइफ बॉन्ड बीस्ट से कहता है, तुम लोग पीछे हटो, मैं पर्सनली इस कमीने को मारूंगा अपने हाथों के साथ। ये सुनकर फिनिक्स टियानमिंग से कहता है, ठीक है हम तुम्हारी परफॉर्मेंस को ऊपर से देखेंगे। टियानमिंग की इस डिसीजन को सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं एंड बातें करने लगते हैं कि देखो टियानमिंग ने अपने दोनों लाइफ बॉन्ड बीस्ट को पीछे रहने को कहा है, क्या वो सच में क्रेजी डीमन बन चुका है जो कि अपनी चेतना को खो चुका है। अब शाउटिंग जो होता है वो अपने दोनों लाइफ बॉन्ड बीस्ट के साथ टियानमिंग पर हमला करने के लिए आगे आता है। ये देखकर ऑडियंस में बैठे हुए लोग बात करने लगते हैं कि ये 1 vs 3 की बैटल है। तभी टियानमिंग अपने डिमाइस ऑफ मैन स्पेक्ट्रल डांस स्केल को इस्तेमाल करके एक ही झटके में शाउटिंग की हालत को खराब कर देता है। शाउटिंग नीचे जमीन पर होता है, उसके मुंह से खून आता है एंड वो कहता है, अरे नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। अब तभी टियानमिंग शाउटिंग से कहता है, शाउटिंग शाउटिंग ये तो सिर्फ शुरुआत थी, चलो अब इसे कंटिन्यू करते हैं। अब इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने अपने फैमिली का ख्याल रखना। माता नहीं।